सब छोड़ दे, तेरा दोस्त तेरे खिलाफ है, तेरा दोस्त बोल रहा है कि तू कैसा है, तेरा दोस्त था जिसने दिव्या को तेरे गर्लफ्रेंड्स के बारे में बताया था, समझा? वो भी तेरा साथ नहीं देगा, तो तू सोच तू किस तरीके का इंसान होगा, तू इंसान नहीं जानवर है, तू समझा, तू जानवर है। तू बॉम्बे में आने के लिए, इंडस्ट्री में आने के लिए एक बेचारी भोली सी लड़की का तूने इस्तेमाल किया, उसे इतना मारा, इतना पीटा, इतना मेंटली स्ट्रेस किया, इतना फिजिकली असॉल्ट किया। गाइज, यू विल गेट गूज़बम्प्स इफ आई विल टेल यू व्हाट ही हैज डन विथ हर। इट जस्ट दैट आप सोच भी नहीं सकते हो उसने क्या किया है दिव्या के साथ। बेल्ट से मारना तो बहुत नॉर्मल था, शादी के 3 दिन बाद ही उसका सर उसने फोड़ दिया था। इफ यू रिमेम्बर, इंडिया फोरम में एक बार आया था कि वो बाथरूम में गिर गई थी करके, डेट वॉज दैट, वो भी वो लाइक फिजिकल असॉल्ट ही था। देन पैर में, हाथ में, आई हैव शेयर्ड फ्यू पिक्चर्स, एक ही पिक्चर अभी शेयर किया है, यू कांट इमेजिन उसके बावजूद भी उसने क्या किया है। ही हर्ट हर लाइक एनीथिंग। और जिसके फादर गुजरे हैं, उस लड़की को अगर कोई डराए धमकाए, रूम में बंद करके रखे और बोले कि अगर तूने अपने फैमिली को या किसी को भी कुछ भी बोला तो तेरे भाई को मार दूंगा। ही इवन सेड कि उसके पास बंदूक है, वो ये करेगा वो करेगा। सो बेसिकली ही इज ए क्रिमिनल, यू नो। सो बहुत सारी चीज़ें जो अभी धीरे धीरे बाहर आ रही हैं। एंड तू अगर इतना ही सही आदमी है तो दिव्या तेरा एनसी करवा के गई है, तू अगर सही है, गलत नहीं है, तो आ जा ओशीवारा पुलिस स्टेशन में, आ जा पुलिस स्टेशन में, फिर वहां पे बात करते हैं ना पुलिस स्टेशन में, आ जा। तू इतना क्लेम कर रहा है ना कि तू अभी तक तू उभर नहीं, क्यों? तू तो अभी प्लानिंग बना रहा था, अभी तो अपने गर्लफ्रेंड्स के साथ अच्छा वो वाले चैट्स भी शेयर करूँ क्या तेरे, जिसपे तेरी गर्लफ्रेंड के साथ चैटिंग हुई है, वो मैसेजेस तुझे नहीं मिले थे दिव्या से? चल मैं शेयर कर देती हूँ, शायद तुझे दिख जाए तेरे ही गर्लफ्रेंड्स ने दिव्या के साथ बाय द वे चैट किया है एंड फोन पे बात किया है। सो इफ यू वॉन्ट दैट ऑल्सो तो वो भी मैं शेयर कर देती हूँ, चलेगा मुझे। एंड बाय द वे, जो तेरी मम्मी के साथ बात हुई है दिव्या की फोन पे, वो सारे रिकॉर्डिंग्स भी हैं, जो तेरी बात हुई है वो सारे रिकॉर्डिंग्स भी है। सो डोंट वरी, एक एक करके मैं वो सारी रिकॉर्डिंग्स मैं डालने वाली हूँ बहुत जल्दी। अब इनफैक्ट आ ही जाएगा 1-2 दिन में, देव डाल ही देगा, आई थिंक ऑलरेडी थोड़े बहुत तो डाल ही दिए हैं, और एक एक करके सब आ जाएंगे। सो यू नो, ये सब जो तू कर रहा है ना, अगर तुझे लग रहा है कि तूने जो किया है उससे तू यू नो एस्केप हो जाएगा, भाग जाएगा, और ऑलरेडी तुझे 10 साल की सजा लगी हुई है, बट वी ऑल आर ट्राइंग आर बेस्ट कि तुझे जिंदगी भर की सजा हो। सो अगर तुझे लगता है कि तू सही है, सो चल कोर्ट पे जाके लड़ते हैं फिर। क्यों भागता फिर रहा है, क्यों भाग गया देहरादून से? मैंने तो सुना है देहरादून से तू भाग गया है, भागता फिर रहा है, छुप गया है, क्यों छुप गया है? चल पुलिस स्टेशन में आना, एनसी तो करके गई है, कुछ ज्यादा कुछ थोड़ी करके गई है, एनसी करके गई है, तू साबित कर तू गलत नहीं है, तू सही है। और जो दिव्या ने सबको इतना कुछ बोल के गई है, वो सब पूरी दुनिया गलत है। तुझे क्या लगता है दिव्या ने मुझे कुछ बोला, उसकी मम्मी को कुछ बोला, उसके भाई को कुछ बोला? ना 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 ना, उसे पता था ना कि अगर हमें बताती तो हम तो तभी तुझे जेल की चक्की खिला देते, चक्की का आटा खिला देते। इसके लिए उसने उस वक्त नहीं बताई, कि वो तुझे टाइम दे रही थी कि तू सुधर जाए, वो खुद चाहती थी कि वो खुद तुझे एक्सपोज करे, क्यों कहीं ना कहीं वो भी शर्मिंदा थी सबसे, क्योंकि सबने उसको समझाया था, वो समझी नहीं थी कि तेरे जैसे राक्षस के चंगुल में फंस गई वो, और वो आज हमारे बीच में नहीं रही। मे बी दैट वॉज ड्यू टू कोविड, बट जो तूने असॉल्ट, जो डोमेस्टिक वायलेंस उसके साथ तूने किया है। सो गाइज, आई रियली वॉन्ट टू नो समथिंग फ्रॉम एवरी वन, फ्रॉम द सिस्टम, फ्रॉम द पीपल, फ्रॉम एवरी वन, कि अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस करते हो, आप किसी को फिजिकली मेंटली असॉल्ट करते हो,
और वो इंसान एक स्टेप लेता है उसके अगेंस्ट में खड़े होने के लिए, जैसे कि दिव्या ने लिया एंड दिव्या ने एनसी करवाया है पुलिस स्टेशन में, ओशिवारा पुलिस स्टेशन में। बट अनफॉर्चुनेटली जो अब दिव्या हमारे बीच में नहीं रही है, तो क्या उस वो इंसान, वो एक क्रिमिनल माइंडेड इंसान, ऐसे खुले में उसको घूमने देना चाहिए? मतलब उसने जो इतने सालों में उसको जो तकलीफ दी है, जो असॉल्ट किया है, जो मेंटल असॉल्ट किया है, जो फिजिकल असॉल्ट किया है, उसका मतलब कुछ लेना देना नहीं है उसकी? उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए ताकि वो फिर से जाके किसी एक लड़की को ऐसे ही फंसाए और फिर ऐसे ही करे? इज दैट सो? और इज दिस राइट? और डू यू रियली हैव समथिंग स्ट्रिक्टली अगेंस्ट यू नो दिस टाइप ऑफ पीपल जो सोचते हैं कि हम कैसे भी लड़कियों को बिहेव करें, कैसे भी कुछ भी करें? तो सून आई विल शेयर ऑल दोज मेल ड्राफ्ट ऑल्सो, जिसमें दिव्या ने ड्राफ्ट किया है इसके अगेंस्ट में कि उसने क्या क्या किया था, कैसे कैसे किया था, कब कब किया था, एवरीथिंग शी हैज मैंशन देयर। सो यू विल गाइज यू नो यू विल गाइज अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। एंड दिस इज वॉट वी आर डूइंग, दिस इज नॉट बिकॉज कि दिव्या अभी नहीं है तो अभी क्यों। एक्चुअली द थिंग इज दिव्या नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि जिसने दिव्या की लाइफ नर्क बना दी थी वो ऐसे खुलेआम बाहर घूमते रहे। ही हैज टू गेट पनिश्ड, ही हैज टू गेट पनिश्ड गाइज। सो दैट इन दैट वीडियो, जो प्रीवियस वीडियो, उसमें मैंने बोला था इज फ्रॉम हिमाचल शिमला, उस दिन मुझे ध्यान में भी नहीं था, बट एक्चुअली आई केम टू नो दैट ही इज फ्रॉम देहरादून। सो यस, एंड एक बात मैं और कहना चाहूंगी, बीच में भी देव आया था उसकी यहाँ पे काम पे लिए। यू कांट इवन बिलीव दैट ये आदमी ने देव को घर पे आने के लिए भी नहीं दिया है। सो दिव्या चुपचाप जाके उससे होटल में मिली है, यू नो। सो 10 दिन के लिए देव बॉम्बे आया था, जबकि ये इंसान, इस इंसान ने दिव्या को अपने दोस्तों से कट करवा दिया। ये इंसान दिव्या को रूम में बंद करके रखता था। सो यू नो, और ये सब वेरीफाई करने के लिए आप सोच नहीं सकते, ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे लोगों के पास प्रूफ्स हैं विथ ऑल दी यू नो एविडेंसेस, लाइक मैसेजेस हो, वॉइस रिकॉर्डिंग हो, हर एक चीज है। सो यस, मैं यही कहूंगी, बी सेफ। एंड ऐसे इंसान आपको जहां पे भी दिखे, जैसे भी देखे, प्लीज प्लीज टेक एक्शन अगेंस्ट इट। दिस इज वेरी नेसेसरी एंड दिस इज वेरी सीरियस। ऐसे क्रिमिनल लोगों को बाहर घूमने का हक नहीं है, इनकी जिंदगी जेल के पीछे ही है और जेल में ही रहनी चाहिए। और रही बात तेरी गगन गबरू सेटी फेटी, जो भी है तेरा नाम, तो इतना सही है ना, तो तू ओशिवारा पुलिस स्टेशन में आ जाना, फिर वहां हम सब मिलके बात करेंगे। या सो गगन शेट्टी, गबरू शेट्टी और पता नहीं और दो तीन नाम होंगे, ऐसे क्रिमिनल्स के बहुत सारे नाम होते हैं, जो फ्रॉड स्टार्स चिप स्टार्स होते हैं उनके बहुत सारे नाम होते हैं, तो वैसे ही तेरे भी बहुत सारे नाम हैं। सो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता तेरा कौन सा एक्चुअल रियल नाम है। रही बात मेरी आइडेंटिटी की, तो मैं बता देती हूँ, मैं वही हूँ जिससे तूने दिव्या को बोला था मेरा सोशल मीडिया ये सब हैंडल करने के लिए, एंड मैं तुझे फॉलो करूँ ताकि तेरा वेरीफाई हो जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो या दैट इज मी। एंड लोग हंसेंगे जिस तरीके से तू बातें कर रहे हैं ना। और रही बात हमारे वीडियोस बनाने के लिए, या हम और उसके फैमिली वाले कुछ बोल रहे हैं इसके लिए फैंस नहीं बोल रहे हैं, ये तेरी बहुत गलत फहमी है। दिव्या को तूने भले ही डरा के रखा था कि वो अपने घर वालों को कुछ नहीं बोले, वो अपने दोस्तों को कुछ नहीं बोले, पर ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं, शायद तू नहीं जानता है उन्हें, और स्पेशली उसके फैंस। दिव्या भले ही हमारे साथ उसने कुछ नहीं शेयर किया है, पर वैसे उन लोगों के साथ दिव्या ने हर एक इंसिडेंट जो तूने उसके साथ कैसे कब क्या सॉल्व किया है, हर एक चीज लिख के गई है, बता कर गई है, हर एक चीज का प्रूफ है हमारे पास। उन हर एक फैंस को पता है, क्योंकि फैंस के साथ वो चैट करती थी और वो बताती थी कि तू क्या करके गया है, समझा।
सो ये जो सारे हमें चैट्स मिल रहे हैं उसके फोन से, उसके फैंस से, उसके उन फ्रेंड्स से जिनके बारे में तुझे कभी पता भी नहीं होगा, दिव्या ने बहुत लेट कर दी समझने में तुझे, और समझने के बाद भी वो सहती रहेगी इस आस में कि कहीं तू ठीक हो जाएगा, तू सुधर जाएगा, पर तू सुधरा नहीं, समझा? सब छोड़ दे, तेरा दोस्त तेरे खिलाफ है, तेरा दोस्त बोल रहा है कि तू कैसा है, तेरा दोस्त था जिसने दिव्या को तेरे गर्लफ्रेंड्स के बारे में बताया था।